subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सकरतुल मौत बिल हक सल्ला अल्लाह
नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिशादत नारे रिशादत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बाबा ने बुलंद सलाम इस्लाम ईमान इकाम अरबाब मारिफत मोहब्बत मबद्दत आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान आशिकान रसूल। सबसे पहले मैं आप तमाम तक सामीन व हाजरीन की खिदमत बाबरकत में और बिलखसूस हजरत अल्लामा हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहतरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद तकी फाजिल साहब नकवी और उनके बाकी तमाम तक बरदर और अहले खानदान सब की खिदमत बाबरकत में मैं उस अजीम तर रूहानी इल्मी अमली शख्सियत का पुरसा ताजियत पेश करता हूँ कि जिनके आँखें बंद करने के बाद सिर्फ वो यतीम नहीं हुए बल्कि पूरी मिल्लत जाफरिया अपने एक इल्मी और रूहानी बाप के फैज से महरूम हुई है। मेरा ज़ाती तौर पर मैं अपने आप को भी उनके रूहानी शागिर्दों में से एक शागिर्द कहलवाता रहा और अब भी हूँ और मुझे इस पर फख्र हासिल है क्योंकि वो दिल के सिकंदर थे मिजाज के कलंदर थे इल्म के समंदर थे और अमल में अबूजर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत तशय्यो के एक बदर होने की हैसियत से बसर फरमाई और जो कुछ वो इल्मी असासा औलाद की शक्ल में या तलब के एतबार से हमें देकर गए हैं ये एक ऐसा असासा है जो ताज़ कायम रहेगा और इसका कायम रहना उनकी हयात अबदी की दलील है। बाबा दे बुलंद सलावात। इसी एतबार से मैंने आपके सामने सूरह काफ की सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 19 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। वाइजा जाअत सकरतुल मौत बिल हक जब सकरातुल मौत मौत की हशी मौत की सख्ती आई तो इसका आना सरासर हक यानी अल्लाह ने जालिका मातुम तबिल होता ही ऐ हजरत इंसान ऐ फरदंद आदम ऐ हजरत बशर जिस मौत से तू डरता था तू घबराता था वो मौत सराबा हक है। तो अल्लाह ने अपनी जबान में बेजबानी के साथ आप बोलते तो नहीं है ये तो मुझे पता चल रहा है लेकिन जिस माहौल को मैं आती हूँ वहां इतनी खामोशी होती नहीं है। देखिए मैंने बड़ा अच्छा फिकरा दिया है और जिस पर आप भी खामोश रह गए और उलमा घराने के अफराद भी बिल्कुल खामोशी में तशरीफ फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया है अल्लाह ने अपनी जबान में बेजबानी के साथ मैंने इसी एक फिक्रे में शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का अकीदा भी तौहीद
बेटा आपका साइड इधर साहब, आप आगे आपके बच्चा क्या बोलेगा। मैंने अपने इसी लफ्ज में कि जबाने बेजबानी के साथ ये अदा करके अगर आप बोलते तो शायद मैं ये फिक्र अदा न करता। मैंने मकतब तशय्यो के अकीदा बिल तौहीद को जाहिर किया है। यानी आज कुछ ऐसे अफराद का जो शिया है, शिया मुसलमानों के मापैन इतिहाद देखना गवारा नहीं करते और हमें एक प्लेटफॉर्म पर देखते हुए घबरा जाते हैं और ताऊती कुवतों के साए में वो हमें एक दूसरे से अलग रहने की खातिर ये नारा बुलंद करते हैं कि साहब शिया मतलब या मसलक कोई मसलक है, ये तो अली को बेटा इधर शाबाश शिया मसलक है कोई मसलक है, ये तो अली को अल्लाह से मिलाते हैं, ये तो अली को अल्लाह मानते हैं, ये तो अली अल्लाह का नारा लगाते हैं। हालांकि खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयद शुहदा की कसम, आयमत खुदा की कसम, ताबल्लाह की कसम, हम शिया अली को अली मानते ही इसलिए हैं कि अली ने अल्लाह मनवाया है। शिया मजहब भी कोई मजहब है, ये तो अली को अल्लाह से मिलाते हैं या अल्लाह मानते हैं। मैंने इतनी कसम खाकर यह अर्ज किया है कि हम अली को मानते ही इसीलिए हैं कि अली ने अपने कौल से, अपने फेल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने इल्म से, अपने अमल से अल्लाह को अल्लाह मनवाया है। तस्वीर सुन कर फरिश्तों ने तस्वीर पढ़ना चाहिए।
1953 में पहली तकरीर की थी, और अब देख रहे हो मेरा बुढ़ापे का जमाना है, तो मैं तो चेहरे देख के समझ लेता हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। जरूर पढ़िएगा सारा रहा। तो मैं यहाँ साहिबान देखिए, मजमा बोले ना बोले, आप में थोड़ा सा बोल रहे तकल्लुफ को बरतरफ रखते हुए, यहाँ रसूल ने सब्बा तो नहीं कहा, यानी ये भी कहा कि मैंने तस्बीह पढ़ी और मुझसे तस्बीह सुनवा, फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ना सीखी, बल्कि आप फरमाते हैं हमने तस्बीह पढ़ी और हमसे तस्बीह छोड़कर फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ना सीखी, हमने सजदे किए हमारे सजदों को देखकर फरिश्तों ने सजदे करना सीखे, देखे जो साया फिगल थे, तो मुझे थोड़े से कलिमात इधर से लेने पड़ गए, फिर मैं इसी पे ही थोड़ा सा अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूं। माहे रबीउल अव्वल में आपको मालूम होगा कि हवेलिया शहर में जिनकी सोशल मीडिया पर नजर है वो जानते हैं बाकी नहीं जानते, ईद मिलादुल नबी के जुलूस पर फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, कुछ शहीद हुए, काफी जख्मी हुई। सबसे बड़ा एतराज जो शिया बरेली हजरात पर आशिकान रसूल पर मिलादुल नबी मनाने वालों पर किया गया है सोशल मीडिया के जरिए से, वो ये है कि मिलाद मनाया जाता है, यौम विलादत मनाया जाता है उन लोगों का जो मौजूद होते हैं, यानी जो बहसियत वजूद मौजूद है, बहसियत दात के मौजूद है। अब जो शख्सियत इस आलम में मौजूद ही नहीं है, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन नाइक जिसे मैं अपनी तकरीरों में नालायक कहा करता हूँ, उसने ये बयान जारी किया है कि मोहम्मद नकल मुफ्त मनोभर मट्टी के नीचे सोया हुआ है, उस सोने वाले का अब हमें क्या फायदा, ये उसके कलिमात है, यानी मालूम पे हमें ताज्जुब नहीं है, शुरू से ही कलिमा पढ़ के भी ना पहचानने वाले। देखिए ना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, रसूल के मुताबिक जो जो कुछ कहेगा पहले देखना पड़ेगा कि इसने रसूल को लिया कहां से, जो भी हमारे रसूल के मुताबिक जिन ख्यालात का इजहार करता है या जिन अकीदों के साए में वो जिंदगी बसर कर रहा है, तो हमें उस पर एतराज करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसने रसूल को लिया कहां से, जिन्होंने अपने जैसों से लिया उन्होंने अपना जैसा कहा। से कोई मकाम हासिल है जो हारून को मूसा से हासिल था, सिर्फ तो आना
कि मैं अली अली होने के बावजूद, इन्होंने तो नहीं बोलना था, आप भी नहीं बोले जो समझ रहे हैं, मैं अली अली होने के बावजूद ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक अगला सा गुलाम हूं। आज करते हैं या अली, रसूल पाक फरमा रहे हैं तू मेरा नूर है, तू मेरा खून है, तू मेरा गोश्त है, तू मेरा गोश्त है, तू मेरी रूह है, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं, समझा रहा हूं कि जब मैं अली रूहे रसूल होकर, नूरे रसूल होकर, खूने रसूल होकर, पोश के रसूल होकर, पोश के रसूल होकर, जब मैं नहीं कहता कि मोहम्मद कुछ कहता, जो नारा नहीं लगाएगा ना मैं इशारा कर दूंगा कि फुलां ने नारा नहीं लगाया, फिर नाराज ना हो। अली के नाम का नारा लगाते हुए आप तकल्लुफ पे पड़ जाते कि हम अली के नाम का नारा लगाएं या ना लगाएं, या अली हमारा तुम पे बड़ा एहसान है कि हम हर वक्त तेरे नाम के नारे लगा रहे हैं, ओ अल्लाह के बंदो ये अली का एहसान है कि उसने तुम्हारी जबानों को अपना नाम लेने के काबिल बना। उम्मत नूह, उम्मत मूसा, उम्मत ईसा,
واجب الاحترام کیا کہ امت کے زمانے کے مقابلہ میں امام سابقہ کے مقابلہ میں یا ہماری بدعمالیاں کم ہے بلکہ آپ فرمائیں کہ زیادہ ہے جب زیادہ ہے تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا ان کے چہرے حسد کیوں نہیں کر رہا جیسے پہلی امتوں کو اللہ نے سزا دیتے ہوئے ان کے چہرے پسند کر دیے ریچھ بندر خنزیر اور نہ جانے کیا کیا کچھ بنا ڈالا تو ان کو خدا خدا کیوں نہیں دے رہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ رحمت للعالمین کے وجود رحمت کا صدقہ ہے یہ خیرات مصطفیٰ کا نتیجہ ہے کہ آج یہ امت مصطفیٰ بھی اس طرح موجود ہے تو پھر غدیر کے میدان میں جسے علی کی ولایت کا اعلان انکار کیا تھا سہلا صاحب بے عذاب باقی دل کافرین لیسا لہودا پہ ہو تو اللہ نے اس حارث بن نعمان فاہی پر عذاب کیوں نازل کیا یہاں دیکھیے بعد میں بات آ جاتی ہے خطیب آدمی ہو مولا جی دلاوری کا صدقہ ہے اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ایک طرف تو اللہ کا رسول سے وعدہ ہے کہ جب تک تو اسی امت میں موجود ہے میں ان اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اپنی آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ ہی پڑھ رہے ہیں اسی امت سے اسی وقت کہ حارث بن نعمان فاہی پر عذاب نازل ہوا تو محمد موجود تھے تو پھر اللہ نے اس پر عذاب نازل کیوں کیا وہ جھنڈا رسول دیکھتے رہے صحابہ دیکھتے رہے مدینے والے دیکھتے رہے وہ جھنڈ کے خواب ہو گیا تو رسول تو موجود تھا پھر اللہ نے وہاں اس پر عذاب نازل کیوں کیا ہاں اس لیے نازل کیا کہ اگر اس وقت وہ خود دشمنی علی میں فنا ہو کر میں پھر بھی نہیں مانتا بے شک مجھ پر تو عذاب نازل کر میں اسے عذاب کو قبول کرنا گوارا کرتا ہوں لیکن علی کو ماننا گوارا نہیں کرتا اب چونکہ یہ منافق تھا کلمہ گو تھا نمازی تھا حاجی تھا عبادت گزار تھا اب اگر اللہ اس پر عذاب نازل نہ کرتا تو قیامت تک کے لیے ہم سب یہی کہتے جناب آدم نے اللہ سے چاند کلمات کی
معرفت کا علم حاصل کیا ہو اور انہی کلمات کے وسیلے سے اللہ نے جناب آدم کی معذرت کو قبول کیا ہو. ہم توبہ نہیں کہتے, ہم معذرت کہتے ہیں, کیونکہ اگر معصوم سے بھی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر معصوم کسے کہو گے؟ نہیں دیتا. تو وہ کلمات جن کے وسیلے سے جناب آدم کی معذرت اللہ نے قبول فرمائی, وہ کلمات کون سے؟ جناب آدم سے پہلے وہ کلمات تھے تو اللہ نے ان کی معرفت کا علم بخشا. تو وہ کون سے تھے؟ دیجیے اب ہم ذرا کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں. ابھی مجھے آپ کے چہروں سے جو پسینہ ٹپک رہا ہے وہ آپ کے کوثر سے بھی زیادہ عزیز لگ رہا ہے. جن کا واسطہ دیا تھے تو
किसकी तरफ? मैं आपको लेके जा रहा हूं। जब शैतान शैतान बन चुका मैं क्या, अब फैसला बात तो नहीं है ना, जब शैतान शैतान बन चुका था नहीं, शैतान बन चुका, शुरू में शैतान नहीं था, यानी शैतान को अल्लाह ने शैतान बनाकर पैदा नहीं किया। ये उलमा का इज्तिमा है, पता होता नहीं मैं किस तरह बेटा अल्लाह की में बोलता, लेकिन यहां तो मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं। अल्लाह का काम शैतान पैदा करना नहीं।
आप एक बार नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, सारी जिंदगी अपने सर शरीर कुमार को जाए का माना गिरोह टोला फिरका
जमात मुती इतादार समझ गए साहब। अब आगे की उन्होंने लिखी है आगे जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, वाइन्ना मिन शियते ला इब्राहिम, क्या अलबत्ता इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था। वाह सही है, दौर में शिया बने नहीं, अगर उस दौर में बने है तो फिर रसूल ने क्यों फरमाया कि यारियो अंत व शिया तो बा। ये बहुत बड़ा मज़मून है जो यहां चल नहीं सकता। तो रसूल ने अपने जमाने में माना, इस बात की तकदीर है कि शिया रसूल के जमाने में मौजूद थे। अब हम पीछे चलते हैं, वही नमन शी मैं जनाब मूसा को भी छोड़ रहा हूं, मैं उनके दौर को नहीं लिया। वही नमन शिया दे ला इब्राहिम, अलबत्ता इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था। भाई देखेंगे आप, तो जनाब इब्राहिम के मुतालिक पता चल गया कि जहां वो पक्के और सच्चे मुसलमान थे। आइए जरूर पढ़िएगा सलावत। जब उलमा आते हैं ना तो दरूद पढ़ा जाता है, ये शिया मजहब में ये एक हमारा सिलसिला कायम चला आ रहा है। दरूद पढ़िएगा सलावत, दरूद पढ़िएगा सलावत। उसके शियों में से एक शिया था, तो पता चल गया उसके देखिए अमेरिका देखेगा उसके शियों में से एक शिया था। मालूम हुआ इब्राहिम से पहले शिया थे। इसीलिए मैं तुम चाहता हूं कि इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था, तो फिर मानना पड़ेगा कि हजरत इब्राहिम से पहले शिया थे। तो वो कौन थे? हजरत पीर करम शाह साहब ने, ज़ियाउद्दीन आम ने और बाकी बहुत सारे मुफस्सिरीन ने। टाइम नहीं है, मैं वो बात देना चाहता था वो दिन, ये तो ऐसे पहलू में आ गई है। तो उन्होंने ये लिखा है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शियों में से एक शिया थे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी यही लिखा, अल्लामा सैयद मोहम्मद अरब रुफाई ने यही लिखा, तफसीर इब्ने कसीर में यही लिखा हुआ है, अल्लामा पानीपति ने तफसीर बखारी में यही लिखा है, बाकी कितने नाम हैं, तमाम उलमा ने यही लिखा है कि जनाब इब्राहिम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शियों में से एक शिया थे। तो फिर देखना पड़ेगा कि जनाब नूह के शियों की पहचान क्या है। इतना बड़ा इल्मी तुम्हारे बोल माहौल है, बाली तो सब चुप कर लेते हो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शिया कौन थे। तो फिर तफसीर उठाओगे तो पता चलेगा कि शिया वही थे जो उस जमाने की कश्ती नजात पर सवार हो गए। तो अब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को क्या कहा गया? सफीनतुन नजात। तो वो तो उस जमाने की कश्ती थी, तो हमारे जमाने की, हमारे रसूल के जमाने की कश्ती नजात कौन है? असल वो आले बैत है, तो असल सफीनतुन नूह। मेरी आले बैत की मिसाल कश्ती नूह की माने थे, बंधा के बाहर जो इस पे सवार हो गया नजात, वो नजात पा गया, और जो छोड़ गया वो हलाक हो गया। मालूम हुआ
एक शिया था, तो अब इब्राहिम किसका शिया था? वाह 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 वाह। मैं पढ़ रहा हूं लुगातुल हदीस, उसमें ये तर्क है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जब भी तुम किसी नबी पर दरूद भेजो तो पहले मुझ पर भेजो, ये बहुत लिखा हुआ है, फिर मुझे नबी पर भेजो। लेकिन जब मेरे दादा इब्राहिम का जिक्र करो तो पहले उन पर दरूद भेजो फिर मुझ पर भेजो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जनाब इब्राहिम को रुतबा कैसे मिला? आपने फरमाया शबे मिलाद जब मैं चौथे आसमान पर पहुंचा तो मेरे लिए एक नूर का मिंबर रखा गया, ये मैं शिया किताब से नहीं पढ़ा, हवाला दे चुका हूं। मेरे लिए एक नूर का मिंबर रखा गया, मैं उस नूर के मिंबर पर जलवा फिदा हुआ बैठा। मेरे नीचे वाले जीने पर सीढ़ी पर मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, बाकी नीचे वाले जीनों पर अंबिया बैठे हुए थे। या इतने में मेरे दादा इब्राहिम ने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला शख्स एक नूरानी नाका पर ऊंटनी पर बैठकर हमारी तरफ आ रहा है। मेरे दादा इब्राहिम ने मुझे देखकर कहा, बेटा मोहम्मद, ये नूरानी चेहरे वाला शख्स नूर की नाका पर बैठकर हमारी तरफ आ रहा है, ये कौन है? मैंने सर उठाकर देखा, मैंने कहा, दादा इब्राहिम, ना ये कोई अल्लाह के मुकर्रब है, ना ये कोई नबी और फरिश्ता है, ना ये कोई रसूल है, तो बेटा है कौन ये नूरानी चेहरे वाला जिसका चेहरा चौथी के चांद की तरह धमक रहा है, तो ये कौन है? तो मैंने कहा, मेरे दादा, ये मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चचा था, मेरा इब्ने अम। अब जितना सुनिए ना, ये वहां पर मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा भाई, मेरा चचा था, मेरा इब्ने अम, मेरा वसी, मेरा दामाद, मेरे इल्म का वारिस अली इब्न अबी। मौलाना किसे किसे नाजर कह रहे हैं?
इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस। अब अल्लाह आगे आयत बयान कर रहा है और वक्त कोई नहीं दिया, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। इस आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अब अतख़ज़ुहुम व ज़ुर्रियतहुम औलिया मिन दूनी व हम लकुम अदू, बेशक ज़ालिमीन का पता मा अशहदु खल्क़ समावाति व अर्ध वला खल्क़ अन्फुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीन अदबा। ऐ औलाद आदम, ऐ ख़ानदान आदम, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान पे और शैतान की औलाद को, शैतान के चेले चाहों को, शैतान के परस्तों को अपना वली बनाते हो? अगर आप थक गए हो तो मैं यही खत्म कर दूंगा। आइए तशरीफ ले आइए, आइए दरूद पढ़े साहब। तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान को, शैतान के चेले जानो किबला, वो आप चेले छोड़ रहे हैं, सूरज के पीछे जा रहे हैं। दरूद पढ़िए ना साहब। वो तो तुम्हारे वाह वाह। दूसरी दलील क्या है? मा अशहदुहुम खल्क़ समावाति वल अर्ध, वो तुम्हारे वली कैसे हो सकते हैं? ना तो मैंने उनको आसमान, ना ही मैंने उनको जमीनों में खल्क करने का गवाह बनाया। वला खल्क़ अन्फुसिहिम, और जब मैंने उनके वजूद बनाए तो उनके वजूदों के बनाने पर भी मैंने उनको गवाह नहीं बनाया। नतीजा क्या निकला? बस किसी पे हाथ करता, नतीजा क्या निकला? पता चल गया कि अल्लाह वली सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो जमीनों और आसमानों की खिदमत से पहले हो। खुद अपने वजूदों की खिदमत से भी पहले हो, ये अशरे का मजमून है जो मैं आपको 5-10 मिनट में दे रहा हूं कि अब मुझे बताओ कौन सी दवाते मुताहा है जो जमीनों की शिद्दत से भी पहले, आसमानों की शिद्दत से भी पहले। तो ये कौन होगा? वली होगा जो जमीनों से भी पहले, आसमानों से भी पहले। अब आओ फिर कुरान की, जिसे अल्लाह वली कह दे फिर मानना पड़ेगा कि वो जमीनों से भी पहले है, वो आसमानों से भी पहले है। तो आप तलाश करो कुरान कि वो कौन है जिसे खुद अल्लाह ने वली फरमाया। आओ सूरह अल-माईदा की तरफ, अल्लाह वाज़े तौर पर ऐलान कर पा रहा है, इन्नमा वलीयुल्लाह वरसूलुहू वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना सलाम, नमाज कायम करो, ज़कात दो,
चलो जी चुप करके बैठो, नमाज पढ़ो, कायम करो, जकात दो, इकट्ठा हो बैठो। हजरत आदम से लेकर इस वक्त तक हमें दिखाया वो नमाजी जिसने एक ही वक्त में नमाज भी पढ़ी है और जकात भी दी है। Oh,
देगा, आज हमें यह ताना देगा कि शिया हजरत अली को सहाबा से अफजल मानते हैं, गलत बिल्कुल गलत। कौन कहता है हम अली को सिर्फ सहाबा से अफजल मानते हैं? तकरीब में कम अज कम 40% 45%
जो भाई हाजी शेख बदरू हुसैन गवाह है अहले सुन्नत शरीफ होते, तो मैं अपनी किताबों के हवाले बहुत कम देता हूँ और भाइयों के किताब खुदों के हवाले ज़्यादा देता हूँ। अब तो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ मसायब के लिए, तमहीदन उसको मैं पढ़ रहा हूँ मिश्कात शरीफ, बाकी कुतुब में भी है मिश्कात शरीफ में भी है। हजरत उमर मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक दिन रसूल पाक मेरे हुजरे में तशरीफ फरमा हुए और फरमाया उम्मे सलमा मुझे कुछ आराम करना मकसूद है, ज़हनों में रहे इनकी आंखें सोती हैं दिल नहीं सोता, किसी को अंदर ना आने देना। बीबी कहती है मैं बाहर हुक्मे रसूल सुनकर बैठ गई, रसूल अंदर तशरीफ फरमा हुए। कुछ देर के बाद दो अढ़ाई बरस का हुसैन जिसके पांव उसके दांत में उलझ रहे थे तशरीफ फरमा हुए अंदर जाने दे। मैंने रसूल के फरमान पर इरादा किया कि मैं हुसैन को रोकूं, अभी मैंने इरादा ही किया था अंदर से रसूल ने आवाज देकर कहा उम्मे सलमा खबरदार हुसैन को मैं रोक रहा हूं। इन कलिमा से पता चल गया कि इनकी आंखों के सामने कोई पर्दा पर्दा नहीं है, हिजाब हिजाब नहीं है, ये फिर अलग मसला है। हुसैन को आने दो, अगर इसकी आंख में आंसू आ गया तो मोहम्मद को करार नहीं आएगा। बीबी कहती है हुसैन अंदर गए, थोड़ी देर के बाद रसूल के रोने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। अब राजनपुर के रहने वाले बुजुर्गों भाइयों शिया आजकल अंदाजा लगाओ जब तक आप इस इमाम बारगाह में आराम से रुकते रहेंगे आपके रोने की आवाज दीवार के पार नहीं जाएगी, लेकिन जब आप थारे मार कर रोएंगे तो फिर आवाज दीवार के पार बाहर जाएगी। मालूम हुआ रसूल इतने जोर से रो रहे थे कि हुजरे से बाहर बीबी के कानों पर रसूल के रोने की आवाज पड़ी। बीबी कहती मैं हैरान हूं कि रसूल क्यों रो रहे हैं, या थोड़ी देर के बाद आपकी हिचकियों की आवाज मेरे कान तक पहुंची, यानी इतना रोए कि हिचकी बन गई। मैं तब उठी कि क्या इतने में अली को बतूल आए खुदे के अंदर चले गए। अब रिवायत दोनों में है शिया में भी और मिश्कात शरीफ में, थोड़े से फर्क पे था। चंद एक कलिमात कुतुब शिया से है साथ मिश्कात शरीफ से है। बीबी कहती है मैं भी अंदर चली गई, मैंने देखा कि हुसैन रसूल के सीने का ताबीज बने हुए हैं। रसूल पाक कभी सर झुकते हुसैन को कभी मुंह चूमते, कभी सीने के बोसे देते, कभी लबों पर चूसते हैं और थारे मार कर रो रहे हैं। अली आगे बढ़े, अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हुसैन को सीने से हटा दूं। कहा अली आराम से उतारना। जब अली उतार चुके अब ये फिक्र मिश्कात में नहीं है, ये शिया किताबों में बाकी मिश्कात में जब अली उतार चुके रसूल ने फरमाया अली हुसैन को दोनों पांवों से थाम कर मेरे सामने खड़ा करो। अली ने खड़ा किया, कहा या अली दोनों उंगलियां हुसैन के रुखसारों पर रखकर थोड़ा सा जोर दो। अली ने जोर दिया। देखिए मैं आपके इलाके के माहौल समाज से ना वाकिफ हूं, अगर किसी के लिए फिक्र सख्त हो तो मुझे माफ कर देना। अली ने जब रुखसारों पर हुसैन के रुखसारों पर जोर दिया तो हुसैन अलैहिस्सलाम का मुंह खुल गया, जैसे मुंह खुला रोते हुए रसूल ने अपनी जबान हुसैन के मुंह के अंदर फिराना शुरू की। रसूल जबान भी फिराते गए और रोते भी गए। हजरत अल्लामा आयतुल्लाह
जाफर सुस्तरी अलैह रहमा ने इस रिवायत को लिखा है कि सैयदा बतूल ने बाबा को रोते हुए देखकर रोते कहा, बाबा आप रो भी रहे हैं और हुसैन के मुंह में जवाब भी पिला रहे हैं। हमेशा हुसैन का सर चूमे, आंखें चूमी है, लब चूमे हैं, सीना चूमा है, हाथों का बोसा दिया है, आज हुसैन के मुंह में जवाब पिला रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? रसूल रोकर कहते हैं बतूल आज न पहुंचू, बाबा कब पूछू बेटी की सर्जरी, यौम आशूर 10 मुहर्रम का दिन, करबला का मैदान, मेरा लूटा जाने वाला हुसैन अकेला रह जाएगा, विलायत तकदीरिया के साए में मैं भी मौजूद हूं, अली भी वही होंगे, तू भी देख रही होगी, फिर मुझसे पूछ रहे कि मैंने हुसैन के मुंह में समान क्यों फेंक दिया। आ गया वो दिन, अल्लामा आयतुल्लाह जाफर सुस्तरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, ए भाइयो, ए सहीबो, जब भी इमाम हुसैन की शहादत पढ़ा करो, कभी ना कहा करो कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे, ये उस वक्त तक थे जब तक हुसैन जीर पे था, जब दौड़ते हुए घोड़े की जीत से गरीब और सहारा अजरूम और बतूल मुंह के पर जमीन पर आया, थोड़ी देर के बाद हुसैन था, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेता मारा, किसी ने गुर्द मारा, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूं, बनी तारक के कबीले का एक तीर अंदाज सबका हुसैन की मजलूमियत का, फिर सब लोगों को मुझे माफ कर देना, बनी तारक के कबीले का एक तीर अंदाज कमान में तीर लेकर खड़ा हुआ था, हर साल हुसैन पर जुल्म कर रहा है, वो तीर नहीं चला रहा था। उसके साथियों ने पूछा, जब हुसैन लूटा जा रहा है तो तू तीर क्यों नहीं चलाता? कहता है मैं इंतजार कर रहा हूं, ऐसा जुल्म करूं जो अभी तक किसी ने न किया हो। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सनार पर अनस मजूम ने हुसैन के सीने में शहर में पूजा हुआ नेजा मारा, नेजे की अली सीने से गुजर कर जिस्म के रगों को चीरती हुई इमाम हुसैन की पुश्त के कमर के पार गुजर गई, साहब का लाल अब जमीन पर खड़ा नहीं रह सकता। हुसैन इससे भी तो अलग है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुसैन जी हुसैन जमीन पर आए, थोड़ी देर के बाद हालत क्या थी, अत्तफती साफ हुई, बेसा जिस तरह छुरी के नीचे सीमा होने वाला जानवर जमीन हो अपने जमीन पर हाथ पांव मारता है, इसी तरह हुसैन जमीन पर अपने हाथ पांव मारे, कभी दाया रुख साम देते कदम पे लगा, मरहबा मरहबा, ये मेरा भाई कह रहे इमाम साहब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप 1400 साल के बाद सुनकर बर्दाश्त नहीं कर रहे, जरा अंदाजा लगाओ 4 साल का सकीना का, जरा अंदाजा लगाओ लुटने वाली भैरव का, कि किस तरह बीबियां से इतना खून
बरामद हुआ, इतना खून जाहिर हुआ निकला कि थोड़ी देर के बाद शाह के बेटे का मुंह फरिश्ता था जो कर्बला के साथ लाकर